नमस्कार, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स अपने हर सेंटर पे बंजारा हिल्स, सनत नगर, मनीकोंडा और कोमपल्ली पे जुलाई में हर शनिवार फ्री फर्टिलिटी कैंप रख रहा है। अवश्य आइए, अपना फ्री वैल्यूएशन कराइए, ट्रीटमेंट ऑप्शन समझिए और ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स दिए गए हैं IVF पैकेज पर। थैंक यू। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। बहुत पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम फर्टाइल है या नहीं, यानी कि हमें बच्चे हो सकते हैं या नहीं। हम पुरुषों में भी और औरतों के बारे में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषों में तो बेसिकली ये है कि अगर सीमन ठीक से बाहर निकल पा रहा है, इरेक्शन ठीक से हो रहा है, हस्बैंड वाइफ ठीक से मिल पा रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हायर चांस ऑफ फर्टिलिटी है, यानी कि आपके चांस ऑफ प्रेगनेंसी अच्छे रहेंगे। बट ऑफकोर्स सबसे अच्छा टेस्ट तो सीमन एनालिसिस का है, जहाँ पे सीमन में स्पर्म्स काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, यानी कि देखने में हरकत और उनका नंबर ठीक है क्या, ये देखा जाता है। इससे पता लगाया जा सकता है कि आपके बॉडी में सब कुछ ठीक है। अगर टेस्टिस में पेन है तो वैरिकोसील हो सकता है, इसकी वजह से भी चांस ऑफ प्रेगनेंसी कम होते हैं। तो ये ऐसे छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपके चांस ऑफ सक्सेस अच्छे हैं या नहीं। अगर आपका ठीक से इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है, अगर यूरिन ब्लैडर में जा रहा है सीमन, जिसे हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन कहते हैं, इससे भी आपके चांसेस कम हो सकते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस ऐसे हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि आप फर्टाइल हो सकते हैं या नहीं। लेकिन ये सारे अनुमान मात्र ही हैं, आपको टेस्ट कराने के बाद ही ये पता लगेगा कि आपके काउंट में सब कुछ ठीक है या नहीं, आपका सीमन ठीक से बाहर आ रहा है या नहीं, ये सब देखना बहुत आवश्यक है। औरतों में तो सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि पीरियड्स ठीक से हो रहे हैं या नहीं। अगर पीरियड ठीक से हो रहे हैं, इसका मतलब अंडे रिलीज हो रहे हैं, आपके गर्भ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर महीने अगर आपके पीरियड आ रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा इंडिकेशन है, सबसे ईजिली ये पता लगता है। अगर पीरियड के टाइम बहुत ही पेन है तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अगर पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे तो PCOD हो सकता है। अगर दो पीरियड्स के दौरान भी ब्लीडिंग हो रहा है तो इसका मतलब गर्भ में फाइब्रॉयड, पॉलिप, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इनकी वजह से ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपके प्रेगनेंसी के चांसेस कम होंगे। ऑफ कोर्स ऐसे कोई भी अनुमान आप स्वयं मत लगाइए, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, वो सही से टेस्ट करेंगे, वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन प्रॉब्लम अगर नहीं है कुछ भी, तो ये इन छोटी चीज़ों से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि आपके फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे हैं। जो है पीरियड ठीक से होना, इसका मतलब आपके अंडे ठीक से रिलीज हो रहे हैं और आपके चांस ऑफ सक्सेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।